स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, तो कोई भी मान लो अगर कोई स्टिमुलस होता है तो उसके अगेंस्ट तुम क्या करते हो, रिस्पॉन्स करते हो, राइट। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करवाता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, यस ऋषभ, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो स्पाइनल, जैसे मेरे पास रिफ्लेक्स एक्शन है, तो रिफ्लेक्स एक्शन से कौन रिसीव करता है? कौन रिसीव से स्पाइन हाँ, कॉर्ड नहीं, स्पाइनल कॉर्ड पे तो जाता है वो, कौन से न्यूरॉन है जो रिसीव करता है? रिसेप्टर्स ठीक है, रिसेप्टर के बाद कहाँ जाता है? वेरी सेंसरी गुड, न्यूरॉन से जाता है वेरी गुड। और फिर जब हम स्पाइनल रिस्पॉन्स, कॉर्ड तक, और सर वो रिले न्यूरॉन वो ज्वाइन करती है, और फिर फिर रिले स्पाइनल न्यूरॉन कॉर्ड से से वो निकॉल ब्रेन के में सर जाता वो है। मोटर न्यूरॉन, मोटर वेरी न्यूरॉन गुड, से फिर इफेक्टर मोटर पे न्यूरॉन सर। से हम इफेक्टर पे रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड। यस, मनश्वी, कैन यू हियर? यस सर। अच्छा, तो मैंने ये कुछ इफेक्टर बताए थे लास्ट क्लास में, राइट। तो ये जो इफेक्टर होते हैं, ये इफेक्टर का मतलब क्या है? कोई बता सकता है इफेक्टर का मतलब क्या है? मैंने बताया था ना, मसल्स और ग्लैंड्स, रिस्पॉन्स जब भी हम रिस्पॉन्स करते हैं तो वो बाहर का हो सकता है और अंदर का हो सकता है। बाहर का अगर तुम्हें मूवमेंट करवानी है तो वो मसल से करवाओगे, और अंदर अगर तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गई है या कोई भी इंटरनल मैकेनिज्म चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, ग्लैंड अपना कोई भी हार्मोन निकालेगी, राइट। यस और नो? ठीक है, यस ठीक है। और अपनी जिसके घर से आवाज ज्यादा आ रही है ना, वो अपनी ऑडियो को ऑफ करके रखे, क्योंकि थोड़ा सा बहुत नॉइस आ जाता है एकदम से। ठीक है भाई, तो फाइन। अच्छा हर्षिता, मुझे एक बात बताओ, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, दो टाइप की नर्व होती हैं, तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो जो ब्रेन से आती हैं वो वाली नर्व्स को हम क्या बोलते हैं? सर क्रेनियल नर्व ठीक है, और जो स्पाइनल नर्व, स्पाइनल से आती हैं, सिंपैथेटिक व्हाट? सिंपैथेटिक, स्पाइनल स्पाइनल नर्व्स। नर्व्स सॉरी हाँ, सर ऑटोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो होता है सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक, ठीक है ना। एक्शन हो गया बॉडी में तो सिंपथेटिक, और उसका रिएक्शन हुआ तो पैरासिंपथेटिक, राइट। ओके, ठीक है। तो सुहानी, ये जो होता है मेरे पास ऑटोनॉमिक, ये क्या होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सर। सिस्टम? ऑटो तो उसके अंदर सिंपैथिक और पैरासिंपैथिक आते हैं ठीक है, नहीं, होता क्या है, ये क्या है ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है क्या बेसिकली? मतलब सर, मतलब जब भी जैसे वर्क स्टार्ट होना होता है और जब एंड करना होता है सर उसको अच्छा, कंट्रोल करना क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इट इज अ काइंड ऑफ सेल्फ गवर्निंग बॉडी, क्योंकि ये अपने आप बॉडी में होता है, ब्रेन कंट्रोल करता है अपने आप ही। जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो गया, तो क्या अब तुम अपनी अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ करके क्या ग्लूकोज लेवल को बढ़ा पाओगे, अपनी बॉडी में कुछ करके, ऐसी कुछ भी कि चलो मैं ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा हूँ? नहीं, तो ब्रेन उसे अपने आप खुद ही बढ़ाएगा ना। ऐसा थोड़ी होता है कि रुक जाओ क्या कर रहे हो, कि मैं अपना ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा हूँ, रुक जाओ, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कोई थप्पड़ मारेगा उल्टा, ठीक है। तो सर, इसका मतलब मतलब, कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं ना। हाँ, कंट्रोल तो है, पूरा पूरा ये सब कंट्रोल का ही हम मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हम बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारी पूरी बॉडी ही उसे गवर्न कर रही है, हमारा ब्रेन। जैसे तुम्हारी बॉडी में कोई भी कमी होगी, तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लिए काम करती है, तो ऑफ कोर्स वो मेरे पास क्या है, सेल्फ गवर्निंग बॉडी होगी। इनवॉलेंट्री एक्शन, बिल्कुल सही आयुष तिवारी, आयुष, वेरी राइट। तो आयुष ने बिल्कुल सही बोला, ये इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में अपने आप होते रहते हैं, हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि तुम्हारी बॉडी का इंटेस्टाइन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, तो ये अपने आप होता है या कोई अपने आप होता है या फिर हमें करवाना पड़ता है सर डाइजेशन? अपने आप होता है, तो अपने ये आप सब कौन होता कंट्रोल है करता है मेरे पास, सर। ऑटोनॉमिक बैठे नर्वस हुए ही सिस्टम। वैसे ही होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मान लो कहीं तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई है, तो तुम्हारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, तो वो तुम्हारा ब्रीदिंग रेट जो बढ़ गया है वो किसने बढ़ाया है, तुमने बढ़ाया है या अपने आप ब्रेन ने बढ़ा दिया है वो, ब्रेन ने बनाया तो वो किसकी है, किसकी वजह से करवाया होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, पेरिफेरल से या सेंट्रल से? ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक हुआ है ना, अपने आप बढ़ गया होगा। और अगर अब मान लो वापस अगर तुम्हें ऑक्सीजन मिल गई है, तो वापस कम कौन कौन करवाएगा, पैरासिंपथेटिक, राइट एवरीबॉडी। सर। तो अब सारे बच्चे हेडिंग डालेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटो। हाँ जी, सर जो आपकी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं सर, उनकी ब्रीदिंग रेट सर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से ज्यादा होती है, तो वो भी उनका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करते हैं कि नहीं सेंट्रल? नहीं 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 उनका वो नॉर्मल है भाई। जैसे ओके हम, हमें यहाँ पे एक ऑक्सीजन चाहिए होती है तो हम यहाँ पर हैं, हमारा नॉर्मली, हमें अडेप्टेशन ही एयर की है। मछली पानी में रहती है तो उनका ब्रीदिंग रेट है, तो अपने से कंपेयर थोड़ी उसको हम, अभी तो हम कंपेयर कर रहे हैं ना, मछली अपने आप में तो फ्रीडम फ्री है, वो तो कंपेयर की बात आती है, हर किसी का अपना एक अलग लेवल होता है। वो हवा में से ऑक्सीजन नहीं लेती मछली,
मछली पानी में से ऑक्सीजन लेती है तो इसलिए उसका ब्रीदिंग रेट हाई क्यों, क्योंकि वो वाटर में से ऑक्सीजन की सप्लाई को खींच रही है वाटर में से, तो वाटर वाली ऑक्सीजन गिल्स की हेल्प से वो वाटर में से ऑक्सीजन को खींच रही है तो इसलिए उसको फास्ट रेस्पिरेशन करवाना पड़ता है, तो वो उसका नॉर्मल मैकेनिज्म है, तो उसके लिए कोई ऑटोनॉमिक नहीं आएगा, सिंपल उसका सेंट्रल कंट्रोल कर रहा है वो अपने आप ही नेचुरली हो रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल जो चीज हो रही है। लेकिन अगर जो मैं एक्शन रिएक्शन की बात करता हूँ, मान लो अगर तुम्हें पानी में भेज दिया जाए और तुम्हारे पानी में भेज दिया तुम्हारी हार्ट बीट कुछ बढ़ गई है मान लो, ठीक है, तो अब जब तुम एकदम से पानी के बाहर आए हो, एकदम से लंबी सांस ले रहे हो, एकदम से पानी से बाहर निकलते ही, तो वो कौन करवाएगा? ऑटोनॉमिक, ठीक है। तो कंपेयर नहीं करना है, जिसका जो नेचुरल मैकेनिज्म है उसके बाद अगर कोई एक्शन रिएक्शन चाहिए तो उसे ऑटोनॉमिक करवाता है, ठीक है। आई होप सुनता है। सर मेनिंजेस का क्या मीनिंग होता है? मेनिंजेस की हमारी यार यहाँ पे ना जैसे ब्रेन के ऊपर ना लेयर्स होती है, लेयर्स होती है और ये प्रोटेक्ट करवाने में हेल्प करती है, मेनिंजेस की लेयर्स इसे बोलते हैं, तो ये बेसिकली होती है हमारी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे बेबी का यूज होता है तो मेनिंजेस की लेयर है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं ताकि अगर तुम गिर भी जाओ तो एटलीस्ट तुम्हारा ब्रेन इतना हाई डैमेज ना हो पाए जितना जैसे पागल हो जाते हैं लोग, तो एक पर्टिकुलर परमिसिबल लिमिट तक वो तुम्हें बचाने की कोशिश करता है, तो ये मेनिंजेस की लेयर एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये दो चीजें तुम्हारे जब भी तुम गिर जाओगे या कोई डंडा मार देगा या कुछ भी हो जाएगा तो उससे बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब अगर मैं ऑटोनॉमिक की बात करता हूँ तो, और जैसे मैंने बोला ना मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो लोग बोलते हैं कि देख मैं तो देख दिल्ली यूनिवर्सिटी में ले लूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे पापा तो विधायक हैं, चाचा विधायक है हमारे, तो मैं तो एडमिशन ले लूंगा, तेरे को पढ़ने की जरूरत है? मेरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे तो चाचा विधायक है और वो मेरे पापा क्या है वो MP है, तो पापा MP तो पापा विधायक की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो हो जाएगा क्या? ऐसा हो सकता है अगर MP है तो DU में एडमिशन मिल जाएगा? देखो एक सेकेंड, बिल्कुल हो सकता है अगर वो यूनिवर्सिटी यूपी में है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बिहार में भी हो सकता है। एक सेकंड सुन तो रहा मेरी पूरी बात, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसको हम ऑटोनॉमस बोलते हैं, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक का मतलब स्वतंत्र है, स्वतंत्र का मतलब होता है वहां पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर काम नहीं करेगा, तो ये ऑटोनॉमस बॉडीज होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ऑटोनॉमस बॉडी है, तो वो उस पर कोई भी पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिशियन का प्रेशर नहीं लग सकता है, ठीक है, इवन HRD मिनिस्टर तक का प्रेशर नहीं लग सकता है, ठीक है। हाँ अगर कुछ VC के ही जान पहचान हुई जो वहां का वाइस चांसलर है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर धमकी देके एडमिशन करवाया जाए तो वो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, पूरे के पूरे मतलब पूरा सुप्रीम कोर्ट तक मामला चले जाएगा तो एडमिशन नहीं होगा। हाँ अगर इंटरनल सेटिंग कर रखी है तो अलग बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑटोनॉमस बॉडीज का मतलब क्या होता है कि वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर काम नहीं करेगा, जैसे तुम्हारे यहाँ पे है CCS यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह में जाओ, पैसा फेंको, एडमिशन ले लो, ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होता है, मान लो रिकॉर्ड हो रहा है कहीं तुम आगे फैला दो कि देखो सागर सर ने ऐसा बोला है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या पता ऐसा हो जाए, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है, मैं ये नहीं बोला कि CCS ऐसा होता है, मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे मे बी पैसे देके एडमिशन होता है, जैसे ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, वहां पे इंजीनियर बनते हैं, पैसा फेंको, एडमिशन हो जाता है, तो वो ऑटोनॉमस बॉडीज नहीं होंगी। तो ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पे सेल्फ गवर्निंग का मतलब क्या है, क्या उसे सरकार चला रही है? नो सर, वो अपने आप में ही स्वतंत्र है, उसे सरकार नहीं चला रही है, वहां पे सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं काम आएगा, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ गवर्निंग सिस्टम बोलते हैं इसे, तो ये अपने आप ही काम करते हैं, अपने आप में स्वतंत्र है, यहाँ पे किसी का कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर काम नहीं करेगा, ठीक है भाई। यूनिवर्सिटीज में ऐसे ही होता है, पैसा देते हैं, एडमिशन होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे तुमने देखा जितने भी इंजीनियर बनते हैं वो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा से वो पैसे देके ही इंजीनियर बनते हैं, मतलब हाँ एग्जैक्टली, तो कहते हैं ना कि यूपी में हर गली के अंदर इंजीनियर है, तो वो इसलिए क्योंकि ग्रेटर नोएडा ने उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है, पैसा दो इंजीनियर बनो, ठीक है, तो इसलिए। अच्छा तो मेरे पास अब देखो ये होता क्या है, तो ये मेरे पास बहुत सारे नर्व्स होती है इनके अंदर, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है ऑटोनॉमिक का जो ब्रेन से वेल एसोसिएटेड है, और ये मेरे पास क्या करवाएगा, एक्शन और रिएक्शन करवाएगा, जैसे मैंने बताया था सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक, राइट। तो मान लो अगर जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में हार्ट एकदम हाई हो गया है, मान लो तुम किसी माउंटेन पे गए वहां पे तुम्हारा हार्ट बीट एकदम हाई हो गई है, तुम्हें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो हार्ट बीट हाई हो गई है, तो वो किसने करवाया होगा एक्शन? अरे मतलब वो सिंपथेटिक ऑटोनॉमिक तो है, लेकिन अब वो किसने करवाया, सिंपथेटिक ने या पैरासिंपथेटिक ने? सिंपथेटिक ने एक्शन करवा दिया, ठीक है। अब जो तुम पहाड़ से फिर से नीचे आ गए, फिर तुम्हारी फिर से नॉर्मल हो गया, तो वो किसने करवाया होगा? पैरासिंपथेटिक। तो अगर कोई भी एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे वो करवाता है, और उसे वापस लेने का काम कौन करता है? पैरासिंपथेटिक करता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हां
मतलब सर सिंपैथेटिक रिएक्ट करता है, पैरासिंपैथेटिक काउंटर रिएक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी भी चीज की तुम्हें, जैसे मान लो तुम्हारी बॉडी में, मैंने बताया ना, जैसे मान लो तुम्हारी किसी लड़ाई हो गई, अब तुम्हारी बॉडी में एनर्जी खत्म हो गई, अब तुम्हारी बॉडी में फिर एकदम से एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में जो पेनक्रियाज है उसने ग्लूकागोन निकाला। बताऊंगा ये आगे जाके। तो ग्लूकागोन क्या करता है, तुम्हारी बॉडी के शुगर लेवल को बढ़ा देता है, एनर्जी बढ़ा दी, तो एकदम से एनर्जी कहाँ से आई है, ये सिंपथेटिक की हेल्प से। अब तुम्हारी अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, तुम जीत गए लड़ाई, तो क्या अभी भी तुम मार दोगे, तुम्हें मेडल बनाने के, तुमने उसे ही मार दिया क्योंकि एनर्जी ज्यादा थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जो मेडल बनाने आ रहा है उसे मारो, तो नहीं। एक डाउट था, तो नॉर्मल जब हो जाएगा तो वो मेरे पास क्या है, पैरासिम्पथेटिक। ठीक है, हाँ बोलिए। सर मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो तब मतलब हार्ट बीट और ब्रेथ रेट इंक्रीज होती है, तो वो भी यही एक्शंस होते हैं ना? नहीं वो वाला एक्शन यार, देखो एक सेकेंड, अगर तुम इस एक्सरसाइज वाला ले रहे हो तो वो इंटेंशनल है। ठीक है, तो अगर तुम वैसे, चलो बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो चलो ये करवा सकते हो कि हाँ तुम्हारी ब्रेन ने हार्ट बीट को बढ़ा दिया क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इंटेंशनल वाली चीजों को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, ले सकते हो ठीक है उसे भी, लेकिन वो जो तुम एक्सरसाइज कर रहे हो वो तो वो इंटेंशनल में आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारे ब्रेन को वो चीज ऑलरेडी पता है, तो ठीक है। अगर तो अब वो चीज तो चलो इंटेंशनल आ गई है, लेकिन अब जो तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई है एक्सरसाइज करते करते, बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो अब जब हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो हम उसे बिल्कुल ले सकते हैं ऑटोनॉमिक के अंदर। ठीक है, लेकिन जो मैंने केस लिया था माउंटेन वाला और ये वाला, ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हो बॉडी के अंदर जो हो रहा है, जो भी एक्शन होगा सिंपथेटिक और नहीं है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था। जैसे मान लो हार्ट बीट है, तुम हार्ट बीट को चाहते तो तुम उसे कम करवा सकते, कैसे, एक्सरसाइज तुरंत बंद कर दो तो कम कंट्रोल हो जाता, लेकिन वहां पे क्या है माउंटेन पे, तुम उसे नहीं करवा सकते कम, क्योंकि वहां पे है ही नहीं ऑक्सीजन, तो वो रहेगा ही रहेगा, तो उस टाइम पे जो कंट्रोल करवा रहा होगा वो है सिंपथेटिक। ठीक है, यस सर, तो ये इस तरीके से मेरे पास एक्शन और रिएक्शन वाला है, पैरासिंपथेटिक एंड सिंपथेटिक। किसी को भी कोई डाउट है, सानवी आई है, सानवी, आयुष, अवनीश, कोई डाउट, शौर्या? नो सर, ठीक है, तो ये मेरे पास सिंपथेटिक और पैरासिंपथेटिक के लिए। तो इसी के साथ हमारा अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरे पास एक 1/3 पोर्शन इसका समाप्त यहाँ पे। ठीक है, 1/3 है बस। 1/3 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, चलो तो अब देखो, अब ना हमारे पास क्या है, हम प्लांट के बारे में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एक पूरा सिस्टम था, साइंस, CNS, PNS एंड ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो मेरे पास क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अच्छा कभी कभी ना ये आता है, गैंगलिया क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स एक नेटवर्क बना सकते हैं, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, गैंगलिया। एक सिंगल मान लो कहीं पे न्यूरॉन है तो उसे भी हम क्या बोल सकते हो, गैंगलिया बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या होता है मेरे पास, ये चेन होते हैं पूरी नर्व्स की, और इनमें बहुत सारी गैंग्लिया भी हो सकती हैं, तो ये क्या होते हैं, ये वर्टेब्रल कॉलम के साइड में ही मिल सकते हैं हमें। तो ये जैसे वर्टेब्रल कॉलम है, तो वर्टेब्रल कॉलम के मतलब एक पूरी की पूरी नेटवर्क जाता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ANS। तुम्हारी बॉडी का कोई भी मतलब पूरी बॉडी में ANS फैला हुआ है, तो ये किसका बना हुआ है, मेरे पास बहुत सारे नर्व्स का और गैंग्लिया का। गैंग्लिया क्या होता है, जिसके अंदर न्यूरोन होता है। ठीक है, जो न्यूरोन है अपने आप में एक। ठीक है भाई, तो गैंग्लिया से बोलने से डरना गैंगलिया नहीं, कौन से पार्ट्स में होते हैं? गैंग्लिया पार्ट्स का नहीं है, गैंग्लिया हमारे हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर कोई रीजन नहीं है। मैं मान लो तुम्हारे ये पूरा करो बंडल है, अगर तुम्हें कहीं पे ऐसे दिख जाए इस तरीके का स्ट्रक्चर, तो अगर ये अकेला है वहां पे, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्स करवाने में हेल्प कर रहा है, तो उसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, गैंग्लिया। ठीक है, अब ये गैंग्लिया मेरे पास बंडल्स में भी हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गैंग्लिया वैसे सर एक्चुअली, एक नर्व भी हो सकता है गैंग्लिया? बिल्कुल 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 हो सकता है, बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे मैं जैसे कॉकरोच की बात करूं, ठीक है, तो कॉकरोच के स्ट्रक्चर्स के अंदर ना, जैसे कॉकरोच होते हैं हमारे पास, तो उनके पास ना, जैसे हमारे पास, सबसे बताओ हम प्रिमिटिव है या हम हाईली एडवांस है, क्या लगता है? सर एडवांस है, तो हम एडवांस्ड। हाँ, तो हम इतने हाईली एडवांस है, तो हमारे अंदर क्या है, ये न्यूरोन है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कॉकरोच की, ये जो भी मेरे पास एक कनखजूरा हो गया, सांप की मौसी जो होती है, इन सबके अंदर, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, इनके अंदर एडवांस टाइप का न्यूरॉन नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं गैंगलिया। ठीक है, तो गैंगलिया को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मतलब जिसके अंदर न्यूरॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, और फाइनली एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं, तो उसी चीज को अनडेवलप्ड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कह सकते हैं। बोल सकते हो, मतलब रफली हम इसे ये चीज बोल सकते हैं, तो यस उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, गैंगलिया बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी ऐसे गैंगलिया हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कॉकरोच, जब तुम कॉकरोच जब लाइट, जैसे मान लो कभी किचन में जाते हो, मान लो एक कॉकरोच वहां पे है, तुम जैसे लाइट जलाते हो वो एकदम तुरंत भाग जाता है, इसका मतलब उसने वो चीज सेंस करी या नहीं करी,
की है। यस सर। तो मोशनल सेंस क्या हो क्या है? अपने गैंगलिया की वजह से, अपने गैंगलिया ऐसे तुम भी तो करते हो एकदम से, मान लो कभी भी कुछ भी चेंज आता है तुम्हारा रिस्पॉन्स कुछ आता है, तो उसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं? गैंगलिया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या होता है, एक तरह से मेरे पास नर्व सेल बॉडीज होती है। ठीक है, तो वी कैन से इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर सिमिलर लाइक नर्व सेल बॉडी, और यू कैन से स्ट्रक्चर कंटेनिंग नंबर ऑफ नर्व सेल बॉडीज, सिंपल उसे हम गैंगलिया बोलते हैं। ठीक है भाई, तो बताओ अगर मैंने ये गैंगलिया बोला है तो बताओ ये आपस में वैसे कनेक्टेड होंगी नहीं होंगी साइनेप्सिस से? होंगे सर। मैंने बोला ना ये न्यूरॉन जैसा, इसको हम गैंगलिया बोल रहे हैं, तो इस तरीके से ये भी साइनेप्स से कनेक्टेड होंगी। साइनेप्स के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है एसिटाइल कोलीन, जैसा मैंने बताया था, राइट? तो वी कैन से, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर गैंगलिया भी आ जाएंगी एंड चेन्स ऑफ नर्व्स भी आ जाएंगी, चेन्स ऑफ बहुत सारी नर्व्स। क्या क्या क्वेश्चन आएगा इस पे? वैसे तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो कभी सीबीएसई में पूछता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में लेके लिए मैं चल रहा हूँ। ठीक है, ऑटोनॉमिक तुम्हारे में कभी आता नहीं है, सीएनएस और पीएनएस मोस्टली आता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए ऑटोनॉमिक भी हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, तुम्हारे जो सीबीएसई का जो एग्जाम होगा उसमें ज्यादातर सीएनएस और पीएनएस पूछता है, ऑटोनॉमिक के बारे में थोड़ा कम पूछता है। ठीक है भाई, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? सर। ये हमें और ये गैंगलिया और ये चेन्स ऑफ नर्व्स हमें किस साइड मिलेंगी, कहाँ पर मोस्टली? हाँ, कैन आई से वर्टेब्रल कॉलम आल्सो? यस भाई, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर ही तो होते हैं मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड, तो ये इसको बोल सकते हो वर्टेब्रल कॉलम के पास में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, आई होप, तो ये मेरे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो तुम्हें इतना पता होना चाहिए था। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में है या नहीं है? ठीक है, तो देखो अब हमारा यहाँ पे एक दूसरा अध्याय स्टार्ट हो रहा है, इसका नाम है मेरे पास कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करता हूँ, देखो सामने से ट्रेन आ रही है तो तुम कैसे करते हो, साइड ट्रैक से हट जाओगे, कूद जाओगे, जंप कर जाओगे, तो वो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी की मूवमेंट हुई है। ठीक है, मान लो एक प्लांट है, एक प्लांट ट्रेन के सामने रख दिया और उसने प्लांट ने देखा ट्रेन आ रही है, तो क्या प्लांट हट जाएगा? नो सर। प्लांट के प्लांट जो प्लांट के लिए स्टिमुलस और प्लांट के लिए रिस्पांस अलग टाइप के होते हैं, उसे ट्रेन से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो प्लांट को जिस चीज से फर्क पड़ता है वो अलग टाइप के रिस्पांस हैं, अलग टाइप के स्टिमुलस है प्लांट के लिए। जैसे मान लो कहीं पे भी, जैसे प्लांट तुमने देखा है कि जंगलों में सनलाइट पड़ती है तो उसको उस चीज से, उसके लिए वो स्टिमुलस है, ज्यादा लाइट आ गई, अरे किसी घर में मशीन चल रही है फोटोकॉपी वाली, आवाज आ रही है मुझे? हाँ, तो किसी के घर पे क्या होते हैं, मतलब घर पे नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी के, किसी प्लांट पे ज्यादा सनलाइट पड़ सकती है, किसी प्लांट पे कम सनलाइट पड़ रही है। मान लो पानी की ज्यादा, पानी ज्यादा डाल दिया या पानी कम डाल दिया, या तुमने किसी प्लांट को टच कर दिया, तो ये उसकी, तो प्लांट के लिए स्टिमुलस ये सब होते हैं, हमारे लिए स्टिमुलस अलग है। थप्पड़ मार दिया, लड़ाई हो गई, किसी ने तुम्हें कुछ गाली दे दी, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, ये सब तुम्हारे लिए स्टिमुलस है। तुम बेड से नीचे गिर गए, तुम्हारा सर फूट गया, ये सब टाइप के स्टिमुलस है तुम्हारे लिए। ठीक है, वहां पे लड़ाई हो गई, चलो देखने चलते हैं, तो ये सब चीजें हैं तुम्हारे लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्लांट के लिए, तो प्लांट के लिए ऐसा कोई स्टिमुलस नहीं है। मान लो तुमने एक एक छोटा सा बच्चा आया हो, तो छोटे बच्चे ने प्लांट को थप्पड़ मार दिया, तो क्या प्लांट बेबी के थप्पड़ मार देगा कि हाउ डेयर यू? तो उसके लिए वो है नहीं, कोई कुछ होगा नहीं बेचारा, तुम प्लांट को उखाड़ के फेंक दो। हाँ, प्लांट को बुरा जरूर लगेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, मजबूर है बेचारा। ठीक है, तो इसीलिए प्लांट के लिए रिस्पॉन्स और प्लांट के लिए स्टिमुलस जो होते हैं वो अलग होते हैं, उनकी दुनिया अपने आप में अलग है। तो जैसे ग्रेविटी है, मान लो तुमने देखो कि प्लांट की जो जड़ होती है वो नीचे नीचे जाती रहती है, जाती रहती है, राइट? तो उसके yes, वो ग्रेविटी भी उसके लिए एक स्टिमुलस ले सकते हैं। अब शूट, उससे देखो जो शूट है वो ऊपर जा रही है, रूट नीचे जा रही है, तो कौन उसको रिस्पॉन्स किस तरीके से करता है, वो उस टाइप का स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है। तो प्लांट की अपनी एक अलग लाइफ है, अपने आप से रिलेट मत करना, वो भी लिविंग है। जियोट्रोपिज्म तो नहीं है? अभी आएगा, अभी आएगा। हाँ, उसे डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं, आएगा वो सब। ठीक है, तो अब प्लांट के लिए अगर मैं बात करूंगा, तो बताओ प्लांट के लिए मेरे पास किस किस टाइप का स्टिमुलस हो सकता है? तो प्लांट की दुनिया अपने आप में अलग है। तो अगर मैं प्लांट के लिए स्टिमुलस की बात करता हूँ, तो मैंने क्या क्या बोला, तो एक तो हो सकता है मेरे पास सनलाइट भेज दी, मान लो तुमने, तो वो सनलाइट से किस तरीके से बिहेव कर रहा है, सनलाइट के साथ जा रहा है, सनलाइट से दूर जा रहा है। ठीक है, या मान लो जो छुईमुई तुमने देखी होगी, छुईमुई को टच करते वो मुरझा जाती है 2 मिनट के लिए, तो टच कर दिया तुमने उसको। ठीक है, कुछ लोग बेफालतू के पत्ते तोड़ देते हैं प्लांट में से, बेफालतू के कोई मतलब नहीं, और पत्थर हाथ में लेके आवाज कर देंगे टक, क्या करा भाई तुमने, बेफालतू क्यों तोड़ा तुमने, ये कोई बात हुई? अब बस दो, कुछ लोग कहते हैं पत्ते लेके अपने दोस्तों को फेंक देंगे,
तो यही सब स्टिमुलस है उनके, अब मजबूरी है उनके, वो उसमें रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, कभी मूव नहीं कर सकते बेटा। जिस दिन प्लांट के अंदर मूव करने की शक्ति आ गई ना, तो तब देखेंगे क्या होगा, तब वो सबको मारेगा फिर। तो कोरोना से भी खतरनाक ना बन जाए तो देखना, फिर लॉकडाउन हो जाएगा हमेशा के लिए कि पेड़ों से दूर रहे। तो ये टच हो गया मेरे पास। अब ये मेरे पास है ग्रेविटेशनल भी ले सकते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन। वाटर। अच्छा इस बार फर्स्ट रैंक कौन था वो, एक सेकंड, कौन बच्चा था वो यहाँ पे आया है? आर्यन, तुम हो यहाँ पे? सर हूँ। अच्छा, और चलो भाई एक बार आर्यन के लिए जोरदार ताली बजा दो, बहुत अच्छे सर। वो आदित्य आर्यन था। बजाओ सर तालियां बजाओ। अभी रुको, तुम्हें ग्रुप से निकालता हूँ मैं, रुक जाओ। क्यों सर? अभी कहाँ है इसका, ये कौन है? तो चलो, आया नहीं आदित्य आर्यन, तुम आए हो आज? आदित्य आर्यन सर है तो, लेकिन बोल नहीं रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भी मनमोहन सिंह की कैटेगरी का है। अच्छा अच्छा, मैं भूल गया। अच्छा ये वो है ना जो चुपचाप रहता है बहुत ज्यादा? ओके, अच्छा अच्छा, अरे याद है, देखो देखो कितने अच्छे बच्चे हमारे, एकदम डॉक्टर मनमोहन सिंह। कम बोलो, बहुत अच्छा बोलो, बहुत अच्छी बात, एनर्जी वेस्ट ना हो जाए बिल्कुल भी। जब चैट है तो क्यों बोलना, एनर्जी सेव करो सर। क्वेश्चन तो सर बाहर के थे, पेपर रेट तो कुछ पढ़ाया नहीं। तो मैंने थोड़ी बनाया है, अपने जेडी सर ने बनाया पेपर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बोलना उनसे कि कैसे क्यों बनाया फिर, ठीक है। तो वेरी गुड आदित्य आर्यन, एक बार आदित्य आर्यन के लिए तालियां बजा दो, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। पेपर काइंड ऑफ बोल सकते हैं मीडियम से थोड़ा अबव था, उसमें भी अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड आदित्य आर्यन, ठीक है। तो ये अब आ जाते हैं वापस। तो प्लांट के अंदर इस टाइप के क्या होते हैं, और भी बहुत सारे टाइप के स्टिमुलस हो सकते हैं, ठीक है। वाटर भी हो सकता है, मान लो एक लड़के ने केमिकल फेंक दिया, एक लड़का आया उसको घर, मान लो स्कूल से एससीएल चोरी करके लिए आया, उन्हें बोला अगर मैं प्लांट को एससीएल दूंगा तो देखो क्या होगा, उसने एससीएल डाल दिया, अब बताओ प्लांट एकदम मुरझा गया। फिर मम्मी ने मारा उसे, तुलसी थी वो बताओ, तो उसके मैंने उसे बहुत मारा ब्रोकर के कि मेरी तुलसी एक ही तो तुलसी थी मेरी, ठीक है, तेरे को कुछ हो जाए मुझे फर्क नहीं, लेकिन तुलसी को कुछ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि तुलसी खुशियां लाती है, दूर को भी नहीं लाता। तो इसका मतलब, तो ये इस टाइप के क्या हो सकते हैं, स्टिमुलस हो सकते हैं, ठीक है भाई। नहीं आया कुछ समझ? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुझे मतलब भी नहीं है। तो लास्ट वाला बता दो, लास्ट वाला समझ। अच्छा अच्छा, केमिकल्स भाई, केमिकल्स अगर तुम डाल देते हो, मान लो अगर जैसे मान लो एसिड रेन हुई, एसिड रेन में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक डाइऑक्साइड भी होता है ना? यस सर। भाई जब तुम एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होते हैं, जो पानी आता है तो पानी के साथ वो चीज मिक्स हो जाती है, तो पानी के साथ जब वो चीज मिक्स हो जाएगी तो फिर जब एसिड रेन आएगा तो बताओ वो प्लांट के ऊपर गिरेगा नहीं गिरेगा? एसिड रेन बिल्कुल, तो प्लांट की रूट खराब हो सकती है, प्लांट थोड़े से जल सकते हैं, उनकी उनका क्लोरोफिल जो होता है वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती है हमारे पास, ठीक है भाई। वाटर के साथ क्या स्टिमुलस होगा? अब वो प्लांट के अंदर आएंगे ना किस टाइप का, अरे स्टिमुलस तो आगे की वाटर आ गया, वो रिस्पॉन्स कैसा देंगे? वॉटर अपने आप में ही स्टिमुलस है, अब वो उसके साथ कैसा रिएक्शन दे रहे हैं वो रिस्पॉन्स है। तुमने पानी दिया, उनको पानी मिल गया, उनकी थोड़ी सी हाइट बढ़ी, तो ये उनका रिस्पॉन्स माना जाएगा, किस तरीके से उनकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी माना जाएगा बिल्कुल उनके इस टाइप पे। हाँ हाँ बोलो बोलो सर। जैसे स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, तो क्या होते हैं? बैक सेल्स सर? गार्ड सेल्स। अच्छा गार्ड सेल्स, ओके ओके ओके। जो गार्ड सेल्स होते हैं वो सर मतलब जब वाटर एंटर करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं कि सर वो खुल जाते हैं, और जब वाटर लीव करते थे सर बंद हो जाते थे, ये भी स्टिमुलस की वजह से सूज जाते हैं। देखो देखो वो तो एक्चुअली उसका फिनोमेना होता है, वो उसका फिनोमेना होता है वैसे तो, ठीक है। क्योंकि देखो एक प्लांट के अंदर ना दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है डायरेक्टिव मूवमेंट, एक होता है नॉन डायरेक्टिव मूवमेंट, बताता हूँ अभी। हमारा रिस्पॉन्स जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में होता है, हम कुछ भी करते रहते हैं, टेढ़ा मेढ़ा उधर उधर कुछ भी करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना इन प्लांट्स की, तो प्लांट्स की ना दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आने वाला हूँ, मेरे पास प्लांट जो करता है, अभी अभी इसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तो मेरे पास अब देखो, प्लांट्स रिस्पॉन्स जो करता है इन स्टिमुलस के अगेंस्ट करता है, तो एक मेरे पास क्या होते हैं प्लांट के, इसे हम बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स, जो कि प्लांट में सबसे ज्यादा यही देखे जाते हैं, और नहीं भी देखे जा रहे तो हम उसे जबरदस्ती बना देते हैं, ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक है डायरेक्टिव डायरेक्शनल मूवमेंट्स, और एक मेरे पास होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। देखो अब जैसे मान लो कहीं पे सनलाइट आ रही है, ठीक है, तो अगर सनलाइट प्लांट के ऊपर पड़ती तो मैंने देखा होगा ना सनलाइट की टूवर्ड्स मेरे पास लाइट बैंड कर जाते, तो मैं वो डायग्राम देखा होगा। एक मान लो छोटे से होल से लाइट आ रही है, तो वो प्लांट उसी लाइट उसमें झुक जाता है, नोटिस किया है कभी?
तो अगर अगर मेरे पास कहीं भी मान लो इस तरीके से कोई भी तुमने बॉक्स में रख दिया, यहाँ से सनलाइट आ रही है मान लो इस तरीके से, तो अगर सनलाइट आ रही है तो आई होप तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे पास जो प्लांट होता है, अगर ये प्लांट है तो वो प्लांट इसी सनलाइट के उसमें ऐसे झुक जाता है ऐसे, ये लीफ है ठीक है अच्छी सी, यस तो ये मेरे पास एक प्लांट है जो कि इस तरीके से बैंड हो गया टुवर्ड्स दी सनलाइट। तो बताओ जहां पे सनलाइट आ रही थी ये उस साइड बैंड हुआ या नहीं हुआ? सनलाइट ऐसे आ रही थी और इस साइड बैंड हो गया, तो ये अपने आप में अच्छी बात है बुरी बात है? जो चीज तुम चाहते हो अगर वो चीज हो जाए तो अच्छा लगता है बुरा लगता है? तो ये अच्छी बात है। हाँ तो ये देखो, तो ये क्या है, देखो ये एक डायरेक्शन हुई या नहीं हुई सनलाइट के टुवर्ड एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। तो इस तो जो भी डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं ना उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है? तो डायरेक्शनल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो दिस इज ट्रॉपिक मूवमेंट, और जो नॉन डायरेक्शनल होता है उसे हम बोलते हैं नॉन ट्रॉपिक मूवमेंट्स, मतलब एक तरह से बोल सकते हो नॉन डायरेक्शनल। तो बताओ अब ये सनलाइट के सामने बैंड हो गया बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, हाँ जी यस यस बोलो एक सेकेंड सर, सन येलो कलर का होता है? नहीं नहीं व्हाइट लाइट बोलते हैं उसे अर्नव, येलो कलर का नहीं बोलते हैं उसे, व्हाइट लाइट बोल सकते हो ठीक है। व्हाइट लाइट उसके अंदर सारे स्पेक्ट्रम होते हैं ना विबग्योर, आगे जाके पढ़ोगे तो व्हाइट लाइट का होता है। तो ये इस तरीके से ये बैंड हो गया है मेरे पास, ठीक है? तो देखो अब जो ट्रॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रॉपिकल मूवमेंट। तो सारे बच्चे पहले हेडिंग डालें, लिखो ट्रॉपिक मूवमेंट्स और लिखो ट्रॉपिक मूवमेंट एंड डायरेक्शनल मूवमेंट। सारे बच्चे लिखेंगे पहले, ये डायग्राम बाद में बनाना, पहले लिखो डायरेक्शनल मूवमेंट्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। लिखे दीज आर दी डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ प्लांट, दीज आर दी डायरेक्शनल मूवमेंट्स, दीज आर दी डायरेक्शनल मूवमेंट्स ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ एक्सटर्नल ठीक है। तो मेरे पास किस किस टाइप के हो सकते हैं? देखो ये एक्सटर्नल स्टिमुलस जो तुम्हें बेसिकली पढ़ने हैं, देखो वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन तुम्हारे सिलेबस में दो ही चीजें हैं, एक है ये मेरे पास लाइट के लिए, ठीक है? तो लाइट के लिए हम क्या होते हैं? फोटो फोटोट्रॉपिज्म। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया मेरे पास? फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। सर विंड स्टिमुलस नहीं होता है क्या? कौन सा विंड? विंड W-I-N-D. अच्छा हाँ हाँ वो भी ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन वो वाला देखो विंड के लिए हम लेते हैं लेकिन एक्चुअली में वो प्लांट खुद नहीं करता है, वो सिर्फ एक्सटर्नल है, जैसे हवा आई और हवा ने उस प्लांट को झुका दिया, लेकिन वो अंदर से हुआ या बाहर से हुआ? External external external, 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 इंटरनल ने कुछ करा ही नहीं, सब कुछ बाहर बाहर से ही हो गया, ठीक है? तो इंटरनली कोई फोर्स नहीं था तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट हम इसे नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना? लाइट एक्सटर्नल स्टिमुलस है। हाँ भाई ऑफ कोर्स लाइट तो बाहर से ही आ रही है ना, ठीक है? तो लाइट बाहर से आ रही है तो वो एक्सटर्नल है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूंगा मान लो मेरे पास वाटर है, हाँ हाँ बिल्कुल लाइट की वजह से जो अंदर हुआ है, अंदर जो रिस्पॉन्स आया इसीलिए ये लाइट ने उसे खींचा नहीं कि इधर आ आजाओ आजा, ऐसे तरीके से नहीं है ऐसा, ठीक है? तो ठीक है, तो ये सब जो इंटरनल मैकेनिज्म है उससे होना चाहिए तभी हम मानेंगे, वरना हम ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है? तो ये इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोट्रॉपिज्म, बिल्कुल सही। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब वाटर के टुवर्ड्स जो मूवमेंट आएगी, ठीक है? अब वो रूट की अलग हो सकती है, शूट की अलग हो सकती है, वो चीज हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है भाई? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? तो मेनली हम ये दो चीजों को देखेंगे। अब देखो अब मेरे पास कोई भी एक प्लांट है सारे बच्चे देखेंगे, तो अब मैंने फोटोट्रोपिज्म का बनाया है जमीन, तो ग्रेविटी वाला नहीं करेंगे? हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ग्रेविटी वाला, उसे हम जियोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। जियोट्रोपिज्म, तो जियोट्रोपिज्म वैसे सिलेबस के अंदर ये वाला है ग्रेविटी और ये लाइट वाला, ठीक है? जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिक, केमोट्रोपिक भी है लेकिन उसका बस तुम्हें पता होना चाहिए केमिकल्स के थ्रू अलग अलग तरह का रिएक्शन हो सकता है, तो हर प्लांट के लिए वेरी है, अलग अलग है, इसलिए हम उसे बस ऐसे बोलते हैं केमिकल्स के थ्रू रिस्पॉन्स करना। देखो अभी मेरे पास क्या है, रूट है, सारे बच्चे इस डायग्राम में देखें। अब मान लो अगर ये रूट इस साइड बैंड इस साइड जा रही है,
मान लो लाइट इस साइड है और रूट अगर इस साइड जा रही है और जो शूट है, शूट का मतलब जो ऊपर का पोर्शन है वो इस साइड जा रहा है, तो देखो ये लाइट के टूवर्ड जा रहा है, तो अगर ये लाइट के टूवर्ड जा रहा है तो मैं सब क्या बोलूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी जो शूट है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये क्या है मेरे पास लाइट की टूवर्ड्स जा रहा है तो इसीलिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और अगर मैं इसको बोलूं ये मेरे पास रूट है तो रूट कहाँ जा रहा है, नेगेटिव, तो इसे क्या बोलना चाहिए मुझे, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि ये लाइट से दूर जा रहा है अंदर अंदर। नहीं आया समझ? पानी हुआ तो क्या, अगर जिस तरफ रूट जा रही है उस तरफ पानी हुआ तो देखो तो उसके लिए मेरे पास वो वाला, अरे तो वही तो बता रहा हूँ, आने वाला हर किसी के लिए अलग अलग है ना, तुम दोनों तो टॉपिक दूसरा टच कर दिया बिल्कुल। अभी ये मेरे पास किसके लिए आया है, फोटोट्रॉपिज्म के लिए। अब ऐसी मान लो अगर मैं जियोट्रॉपिज्म ले लूंगा, जियो का मतलब क्या होता है, ग्रेविटी, तो अगर मैं ग्रेविटी ले लूंगा तो बताओ ग्रेविटी कहाँ लगती है, नीचे की साइड, तो अब ये रूट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तो नीचे जा रही है, तो अब ये अभी रूट क्या शो करेगी मेरे पास, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, हाँ, और अब ये रूट रूट आई बता रहा हूँ, तो अभी ये क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अरे मेरे भाई अगर कोई चीज, जैसे मान लो तुम बहुत शैतानी कर रहे हो ठीक है कहीं पे, ठीक है, तो अगर तुम शैतानी मान लो कहीं पे एक म्यूजिक बजा उसमें शैतानी बहुत ज्यादा एकदम शोर मच रहा है और तुम और फिर तुम भी शोर करने लग गए, तो इसका मतलब क्या है कि, तो इसका मतलब तुम पॉजिटिव हो गए म्यूजिक से, तो म्यूजिक ट्रॉपिज्म हो गया तुम्हारा, क्यों, क्योंकि म्यूजिक के टूवर्ड्स तुम जैसा वो कर रहा था वैसे तुम भी करने लग गए, तो ये पॉजिटिव है। लेकिन मान लो अगर साउंड बहुत तेज बज रहा है और तुम चुपचाप बैठ गए और तुमने बोला सौ सवालों के जवाब से अच्छी है मेरी ये खामोशी, तो इसका मतलब तुम नेगेटिव हो क्योंकि तुम उस म्यूजिक के अफेक्ट में आ ही नहीं पाए। तो वही वाली बात है, अगर सनलाइट ऊपर से आ रही है, सनलाइट रूट तक जाती है क्या, सन्नी सर, तो मतलब सनलाइट जो आ रही है, अरे वाह सनलाइट सन्नी, ठीक है, तो सनलाइट जो आ रही है तो अब शूट भी ऊपर जा रही है और लाइट भी ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव, क्योंकि ये सनलाइट के टूवर्ड जा रहा है, लेकिन रूट तो सनलाइट से दूर जा रही है इसलिए नेगेटिव। अब ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटी का मतलब जमीन के अंदर आना, तो जमीन के अंदर कौन जा रहा है, रूट जा रही है, शूट जा रही है, सन्नी, तो इसलिए वो क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये उससे दूर जा रही है ग्रेविटी से, तो ये हो गया रूट, रूट रूट, ढंग से बोलो, ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है फोटोट्रॉपिज्म के बारे में। तो आई होप तुम लोगों ने इसका डायग्राम भी देखा होगा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो वैसे कुछ दिखाने के लिए है नहीं, लेकिन ये ना देखो ऐसी चीज है जो बहुत ईजी है, ये एक एक दूसरी क्लास का बच्चा कहते कह रहे सर क्या टॉपिक, तो पहले से ही पता है हमें, ये क्या दिखा रहे हो आप, मतलब कुछ बताने दिखाने वाली बात ही नहीं है, सबको बताइए, ठीक है ना भाई, कुछ लोगों को तो ऐसे हैं हमारे यहाँ पे कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, सब पॉजिटिव नेगेटिव, ये नहीं पता भैया, ये तो बहुत गंदी फिजिक्स है, बार में फिजिक्स कैसे आ गई पॉजिटिव नेगेटिव, क्या कर सकते हैं। हाँ देख पा रहे हो ये डायग्राम, ये क्या है, अबे एक गमले को मैंने टेढ़ा कर दिया, तो एक गमले को टेढ़ा कर दिया, तो देखो जब सनलाइट आई तो देखो ये प्लांट ऐसे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब बताओ ये मेरे पास देखो जियोट्रॉपिज्म है, तो ये ग्रेविटी से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ऊपर ही जाती है ना, एकदम से नहीं होगा, थोड़ा टाइम निकल रहा है भाई, भाई सुन, हाँ वो तोड़ रखा था ना मेरे भाई पीछे से इसीलिए, तो अगर तुम गमले को ऐसे ही रख दोगे तो फिर वो रूट नीचे तक ऐसे टच होने लग जाएगी और ये ऊपर निकल के आएगा, कर लेना कभी ऐसा, कभी भी ऐसी जमीन पे गमले को टेढ़ा लग देना, वहां मिट्टी होनी चाहिए नीचे, तो तुम देखोगे यहाँ की रूट यहाँ पे आ जाएगी, हाँ ये टूटा हुआ भी होना चाहिए नीचे से, ऐसा नहीं पूरा क्लोज है, फिर नहीं निकल पाएगी रूट, तो अगर ये इस तरीके से यहाँ पे इसमें ये पोर हो रखा है तो वो रूट इस तरीके से जाएगी अंदर और ये ऊपर चले जाएगा, क्योंकि शूट हमेशा क्या होती है, ग्रेविटी से ऊपर जाती है और रूट हमेशा ग्रेविटी के टूवर्ड जाते हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। एरर। ठीक है, बस बस, वेरी गुड। सनफ्लावर का कैसे होता है? हर किसी प्लांट का अलग अलग होता है, हर किसी प्लांट का अपना अलग होता है, तो सनफ्लावर के क्या, जैसे वो भी तो ऊपर ही आ रहा है और वो नीचे जा रहा है, रूट तो मोस्टली प्लांट्स के नीचे ही रहती है, ऐसी कौन सी? नहीं, वो तो जिस डायरेक्शन में सन होता है, मतलब सारे उसी डायरेक्शन में होते हैं, तो वो रिलेट कर रही थी, तो सर मतलब अगर वो तो फोटोट्रॉपिज्म हो गया ना,
सर जो रूट होता है वो किसी भी प्लांट का रूट होगा या शूट होगा, वो रूट होगा तो वो ग्रेविटी की तरफ ही जाएगा, शूट होगा तो वो ऊपर। जनरली 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 हम ना मेजोरिटी ऑफ द प्लांट की बात करते हैं, ठीक है भाई। इसी तरीके से ये जो देखो वही चीज है जो भी दिखाया, देख रहे हो ना, तो क्या होता है ये ग्रुप प्लांट का रिस्पॉन्स है ग्रेविटी के टूवर्ड्स। तो ग्रेविटी क्या हुई, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स क्या हुआ, हमेशा इसके दिखाते हैं। तो जो रूट है वो नीचे जा रही है तो इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव, और जो रूट शूट है मेरे पास तो ये ऊपर जा रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। कोई डाउट है? अरे यार इजी है ये, तो एक सेकंड, तो उसके लिए पानी का रूल आएगा ना यार, तो वहाँ पे हाइड्रोफाइट, तो अलग अलग फैक्टर से हाँ वहाँ पे हाइड्रोट्रॉपिज्म लगेगा। और इतना ये टॉपिक बस एक तरह से प्लांट के रिस्पॉन्स को दिखा रहा है, इतना कॉम्प्लिकेट जाने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन निकालने की जरूरत नहीं है कि वो वहाँ पे तो ऐसा हो गया, वो अब तो फंस गए, अब तो ये ट्रॉपिज्म गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस हमने एक रैंडम एक टॉपिक डाल रखा है कि प्लांट्स के रिस्पॉन्स हमारे जैसे नहीं होते हैं, प्लांट के रिस्पॉन्स हमारे जैसे नहीं है कि हमने थप्पड़ मारा तो वो हमें उल्टा थप्पड़ मारेगा, ऐसे रिस्पॉन्स नहीं है। बस बस ये जियोट्रॉपिज्म, ये कीमोट्रॉपिज्म, बस ये दिखाने का ये मतलब है कि प्लांट की दुनिया अपनी अलग है, प्लांट के रिस्पॉन्स अपने अलग है, बस उसको दिखा रहे हैं। यहाँ पे कोई वो वाली बात नहीं है कि नहीं 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 अब तो पहले तो एक्स स्क्वायर दिया था, हमने एक्स क्यूब दे दिया तो अब निकालो बेटा कैसे निकालोगे, ऐसा नहीं है ये, ठीक है। बस एक प्लांट का फिनोमिना है, एक ह्यूमन लाइफ का अलग टाइप। कीमोट्रॉपिज्म क्या होता है? कीमोट्रॉपिज्म मैंने अभी बताया, केमिकल्स के डालने से जो रिस्पॉन्स आता है, जब एसिटेन के अंदर केमिकल्स आ जाएंगे, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले मैंने कि अगर मेरे पास एसिटेन गिरेगी तो उससे कैसा हो जाएगा भाई प्लांट। इसमें हर चीज के अंदर तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसका रिस्पॉन्स कैसा आएगा वो देखना है। तुम्हें केमिकल फेंका पुरान पूरा खराब हो गया, वो उसका रिस्पॉन्स हो गया, खराब हो गया उसका। केमिकल आया उसका पूरा क्लोरोफिल सड़ गया, क्लोरोफिल खराब हो गया उसका, ग्रीन राई नहीं है वो, तो वो उसका रिस्पॉन्स है, ठीक है। कभी कभी तुम्हारा भी तो कोई तो थप्पड़ मारता है, तुम उसको बहुत मारते हो और तुम खुद भी पिट कराते हो, तो उस रिस्पॉन्स से तुम्हारा नुकसान हुआ या नहीं हुआ? अरे जो तुमने रिस्पॉन्स दिया उससे तुम्हारा भी नुकसान हुआ, उसी तरीके से प्लांट का भी रिस्पॉन्स हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो रिस्पॉन्स कैसा है, सनलाइट के थ्रू, एसिड रेन के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, एसिल डाल दिया तुमने, सारे रिस्पॉन्स के एक बेसिस है उसके ऊपर डिसाइड। बहुत जनरली हम भी बोल के चल रहे हैं, हर प्लांट का अपना अलग टाइप का रिस्पॉन्स हो सकता है। जैसे मैं एक टॉपिक बताऊंगा कि देखो, अब जैसे मैंने ये डायरेक्शनल मूवमेंट बताया है, अगर मैं तुम्हें बोलूं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, देखो डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऊपर या फिर एक नीचे, एक आगे तो इसका मतलब एक पीछे, इस तरीके से, तो ये डायरेक्शनल होता है। लेकिन छुई मुई है, तो छुई मुई कैसी होती है मेरे पास, जानते हो छुई मुई को, छुई मुई को वैसे हम क्या बोलते हैं, सिकुड़ जाती है, बिल्कुल बता रहा हूँ टच मी नॉट प्लांट है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब तुम इस प्लांट को टच करते हो ना, तो वो उस टच को किस तरीके से लेती है, तो उस टच को एक तरह से वो लेती है स्टिमुलस की तरह। तो उस प्लांट में जितना भी वाटर होता है ना, तो वो अपने बॉडी में से एकदम वाटर को लूज कर देती है। तो वाटर को लूज करने से वो क्या हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है। किसी घर से आवाज आ रही है भाई, सब लोग अपने वो ऑडियो को ऑफ करके रखें, जैसे घर में चीजें चल रही हैं अलग अलग, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था टच मी नॉट प्लांट है मेरे पास, तो अगर उसको टच करोगे तो वो प्लांट क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो जब वो सिकुड़ जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर जितना भी पानी था, तो जब भी वो क्या करता है, वो पानी को एकदम रिलीज करते हुए क्या हो जाता है, फाइनली वो थोड़ा सिकुड़, अपनी पत्तियों को ना वो ऐसा, जैसे मान लो ऐसी पत्तियां थी इस तरीके से, जैसे तुमने टच किया वो एकदम से ऐसी हो जाती है। तो अब बताओ ये कोई डायरेक्शन हुई उसकी क्या? ये कोई, तो ये उसकी कोई डायरेक्शन नहीं हुई है, ठीक है ना। तो मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, तो तुम खुद ही जज करना कि ये डायरेक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इसको तो मुझे क्या बोलना चाहिए, डायरेक्टिव मूवमेंट या फिर नॉन डायरेक्टिव मूवमेंट, बताओ। नॉन डायरेक्टिव ठीक है। तो जब भी तुम किसी की पत्तियों को, छोटी छोटी पत्तियां होती हैं इसकी, तो जब भी तुम इसे टच करोगे तो ये क्या करेगा, वैसे उसका नाम क्या होता है, मिमोसा पुडी का, समोसा मत बोल देना कि मेरे तो मौसा जी हैं, ठीक है। तो मिमोसा पुडी का, सारे बच्चे बोले मिमोसा, कहीं अपने मौसा जी का नाम बिगाड़ दो, वो है मिमोसा, मिमोसा जी नमस्ते, ठीक है। तो इसीलिए मैं दिखा देता हूँ, यस देख पा रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों, ये देखो ऊपर लिखा हुआ भी है टच मी नॉट प्लांट सेंसिटिव प्लांट। सेंसिटिव का मतलब वो नहीं कि आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, वो अलग चीज है, वो आएगा। तो सेंसिटिव का मतलब जरा सी चीज खाने से अगर तुम्हें ठंडा गर्म लगे, इसी तरीके से जरा सा टच करने से ही जो बुरा मान जाए, जैसे मान लो तुमने दोस्त के घर जा रहे थे और दोस्त जल्दी से तुमने दोस्त को टच कर दिया,
वो कह रहा हो क्या कर दिया भाई तूने, तो इसका मतलब वो सेंसिटिव है, टच करने से बेचारा बुरा मान गया, ठीक है, तो इसीलिए तो सेंसिटिव बोला गया है। देखो ये मेरे पास, ये देखो टच किया, देखो टच करते ही देख रहे हो क्या हो रहा है ये, देखो हाँ देखो अभी भी हो जाएगा, इसको टच किया तो ये भी फोल्ड हो रहा है, तो ये क्या है इसका, ये इसका रिस्पॉन्स है, देखो उसको भी क्या एक एक करके सबको टच कर रहे हैं, ये भी कह रहा है कितना बदतमीज है, अरे एक ही कर लेता, नहीं नहीं हम तो चारों के ब्रांच को करेंगे, अब देखो इसको क्या कह रहा है, इतना बदतमीज बच्चा आ गया, कह रहा अगर 10 भी होते हैं 10 को 10 टच करता, ठीक है इसका पानी कहाँ गया वो पानी तुमने अपने घर में भर लिया, अब तुम पीते रहते हो उसे, ठीक है, तो इसका मतलब मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास वापस नहीं आते फिर वापस, नहीं 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 हो जाता है, रुक जाओ 15 मिनट के आसपास, ठीक है पहले जितने भी लोग हो आपस में कर लो जो भी चल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, यस फोटोसिंथेसिस कैसे होता है फिर अगर पानी ऐसी छोड़ दिया जाए तो, अच्छा हो गया, अब देखो ये लीव है, जब मैंने टच किया तब ऐसा हुआ है, तो हमेशा टच करते हुए फोटो, जब तक तुम टच करके रखोगे तो फोटोसिंथेसिस होने का नाम ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही टच कर रखा है, क्या तुम हमेशा टच करके रखोगे, वो इसका एक फिनोमिना है, ठीक है वो इसका एक फिनोमिना है, अब ऐसे करके मैं बोलूँ कि जब तुम क्लास ले रहे हो तो तुम जब क्लास ले रहे हो तो खाना कब खाते हो, तुम तो क्लास ले रहे हो, अबे भाई तो क्लास तो एक घंटे के लिए ले रहे हो ना, तो टच तुम हमेशा थोड़ी कर रहे हो, टच भी तो कोई थोड़े से टाइम के लिए कर रहे हो, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, टच क्या तुम 24 घंटे करके रखोगे उसे, तो फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है, और फोटोसिंथेसिस तो तुमने टच भी किया है तो एक छोटा सा पार्ट किया है, बहुत सारे तो क्या तुमने सारे पूरे प्लांट को ऐसा कब्जा लिया है क्या कि अब करके दिखा, तब तो नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी, तुमने एक छोटा सा पार्ट टच किया है, इसकी दूसरी ब्रांचेस भी तो है, ये पूरा प्लांट है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस लाइव प्रोसेस में पढ़ाया था, फूड कैन बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ट्रांसलोकेशन, तो अगर एक को टच किया है तो कोई बात नहीं, कुछ लोग तो जो तुम पत्ते तोड़ देते हो तब तुम नहीं पूछते कि फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तब तुम पत्ते तोड़ के ऐसे आवाज करते हो जो करते हो बदतमीजी, तो तब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब जब भी हम ये इसको टच कर रहे हैं तो अब, और ये वाटर लूज कैसे करता है, क्योंकि सर्फेस में वाटर होता है तो इसके स्टोमेटा होते हैं, तो ये इतना छोटा सा है तो इसके वाटर भी बहुत थोड़ा सा होगा, बहुत थोड़ा सा है तो वाटर को एकदम लूज करके ना श्रिंक कर जाता है, ठीक है सर, हाँ सर, अगर जैसे आपने दिखाया कि जैसे छू रहा है और ये मुरझा रहा है सर, ये थोड़ी देर बाद अपने आप ऐसे हो जाएगा, हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर बाद जैसे इसको लगे कि अब थोड़ा सेफ है, वो चला गया बदतमीज ने टच किया है, तो ये वापस फिर से ठीक हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना, अगर तुम अपने दोस्त को टच कर दे तो बुरा मान गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो हमेशा बुरा मानेगा तुमसे, अगले दिन फिर से दोस्त बन जाएगा, ठीक है, इसमें भी रिसेप्टर्स होते होंगे, बिल्कुल 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 रिसेप्टर्स बोल सकते हो, ऐसा तुम्हें ये पढ़ना नहीं है, तो प्लांट्स के अंदर भी थिग्मो रिसेप्टर्स तुम बोल सकते हो, ठीक है ना, तो ऐसा होता है, तो ये वाटर लूज कर देगा किसकी हेल्प से, स्टोमेटा की हेल्प से, किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर, प्लांट क्या होता है, टच मी नॉट, जैसे बोलते हैं मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका, ओके, आई होप यू गॉट इट, सो इट्स द डायरेक्शनल मूवमेंट और द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, यस टेल मी पीपल, non-directional because there is no fixed direction, you can't say positive and negative in that, that's why we are saying it a non-directional movement towards the touch, and for touch you know it is a thigmo receptor, right? Yes sir. In our body especially, okay, find that, so now let's come to the non-directional movement, okay, so we have already covered the directional movement, right, geotropism and phototropism, and now we are going to discuss about the non-directional movement, देखो डायग्राम याद रखना है इन चीजों के, बस डायग्राम वैसे तो हाइड्रोट्रॉपिज्म रह गया है, नहीं वो सिलेबस में पानी के जरिए पानी डाला है तुमने जो रूट के अंदर, तो रूट थोड़ी नीचे नीचे जाती रहेंगी, और तो एक तरह से वो क्या है पॉजिटिव, और ऊपर वाला क्या है पानी नहीं है, तो तब भी वो बड़ा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास नेगेटिव, एक तरह से वो किसकी तरह जियोट्रॉपिज्म की तरह, ठीक है ना, एक बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं सर मैं तो पानी ऊपर देता हूँ, ऊपर ऊपर मैं रूट में डालता ही नहीं, मेरा तो मन करता है ऐसे जो फुहारा डाल डाल के मैं खुद भी नहा रहा होता हूँ उसको भी दे देता हूँ, तो वो अलग बात है, ठीक है वो तुम्हारा स्पेशल केस है, हम उसके बारे में बातें नहीं कर रहे, हम तो रूट में डालते हैं, रूट में डालेंगे तो रूट नीचे मतलब रूट मतलब जमीन पे जहाँ पे वो है, गमलों में डालते हो ना पानी, yes, तो गमलों में डालेंगे, yes, तो रूट बड़ी होती नहीं होती या छोटी हो जाती है, एक बच्चा कह रहा है पहले रूट इतनी अब इतनी हो गई पानी डाल के, तो भाई वो तुम्हारे बड़े हो जाते हैं, तो इसलिए वो पॉजिटिव, तो अब सारे बच्चे लिखे हैं नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड नॉन डायरेक्टिव मूवमेंट और नॉन ट्रॉपिज्म, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ब्रैकेट में लिखना रिस्पॉन्स, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ब्रैकेट में लिखना रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस लाइक टच
कोई गाना नहीं गाएगा टच मी हाँ लाइक टच इज कॉल्ड टच मी इज कॉल्ड नॉन डायरेक्टिव मूवमेंट या नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट वर्ड्स सर रिपीट कर दीजिए हाँ हाँ मैंने क्या बोला यार मैं खुद भूल गया हाँ हर्षिता तुम बताओ एक बार एक्सप्लेन करो मैंने क्या बोला रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी स्टिमुलस लाइक टच इज कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट मैंने शायद ये बोला था नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस लाइक टच यस सर स्टार्टिंग में नॉन डायरेक्शनल लिखना है ना डायरेक्शनल लिखते फिर तो गड़बड़ हो गई रिस्पॉन्स बोला था आपने ठीक है रिस्पॉन्स हो गया ठीक है ओके ओके तो भाई नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस इन अ प्लांट लाइक टच इज कॉल्ड द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ठीक है एक ही लैंग्वेज है जैसा भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो और कोई दिक्कत थोड़ी है ये इंग्लिश की क्लास नहीं है ना मीनिंग वही निकलना चाहिए बस कोई डाउट है इसके अंदर तो सारे बच्चे एग्जाम्पल तो सारे बच्चे एग्जाम्पल लिखे क्या है इसका एग्जाम्पल सर नहीं छुई मुई हाँ छुई मुई का वैसा नाम क्या होता है साइंटिफिक अच्छा टच में वेरी गुड ये टच में कुछ और गाना ये किसके मन में गाना आ गया वही वाला जिसपे डांस करता है अच्छा वाला वेरी गुड तो सारे बच्चे लिखेंगे द फोल्डिंग अप एंड द ड्रूपिंग ऑफ लीव्स लिखना DRO ड्रोपिंग ऑफ लीव्स मुलझा जाना द फोल्डिंग अप एंड ड्रोपिंग ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट of sensitive plant bracket में लिख लेना touch me not और bracket में फिर से लिख लेना mimosa pudica में first word क्या लिखेंगे capital as you know that scientific notation और छोटा क्या है पहला word क्या represent करता है people the genus very genus. good दूसरा word क्या represent करता है species तो species हाँ तो mimosa pudica से जो इस तरीके से होता है finally तो अच्छा ये कब होगा when you touch them right Yes, so, yes, leaves of the sensitive plant touch me not mimosa pudica when touched by yeah dekho when you touch it so when we haan theek hai bhai when we touch it theek hai main tumhare liye bol raha tha haan when we touch it haan bolo koi kuch bol raha hai सर जो जैसे वीनस फ्लाइट्रैप होता है ना जो इंसेक्ट सर वो कैच करता है सर उसका जो फ्लैप होता है सर उसमें भी ऐसे कुछ होता होगा बिल्कुल देखो उसका फिनोमेना अलग है उसकी बॉडी में नाइट्रोजन कंटेंट कम होता है तो जैसे उसको जैसे कोई भी मक्खी वक्की उसे आसपास दिखती है तो वो सेंस कर लेता है तो सेंस करने से एकदम से जैसे मान लो कोई भी ये है इसका जैसे थिग्मो रिसेप्टर्स के एक्टिव हुए इसको पता लग जाता है कोई आके बैठ गया एकदम से क्या करेगा अपना वो रिसेप्टर्स को ऐसे दबा लेगा फिर उससे उसको क्या मिल जाता है नाइट्रोजन मिल जाता है ठीक है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन काफी होता है तो बिल्कुल ये सब न्यूरॉन का खेल है न्यूरॉन जो हमारे अंदर हो गया ये सब इसके रिसेप्टर्स का खेल है ठीक है तो ये इसी तरीके को बोलते हैं हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सर सेम आपका पिचर प्लांट के साथ भी होता है बिल्कुल बोल सकते हो बिल्कुल ठीक है पिचर प्लांट वाला सारा खेल रिस्पांस और स्टिमुलस का ही है और बिल्कुल बोल सकते हैं किसे कोई दिक्कत है भाई इसके अंदर नो सर तो ये मेरे पास क्या है ये वाला फिनोमेना हो गया तो डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल आई होप इट इज क्लियर टू यू तो अगर मैं यहीं पर ही बोलूं हाइड्रोफिलिक क्या आई मीन अगर मैं बोलूं कि अच्छा ये जो मेरे पास नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है ना यहाँ पे कभी कभी ना ये एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करता है सारे बच्चे याद रखेंगे नॉन ट्रॉपिज्म की जगह ना कभी कभी ये पता है क्या वर्ड यूज करेगा व्हाट डू यू मीन बाय द नेस्टिक मूवमेंट नेस्टिक ये नेस्टिक का मतलब ये ना कि मैं तो नास्तिक हूँ मैं नहीं मानता भगवान को मैं तो हूँ ही नास्तिक तो ये नेस्टिक है नास्तिक नहीं तो नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ठीक है भाई तो कैन आई से इट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस बाय द प्लांट ऑफ कोर्स तो ये भी क्या होंगे मेरे पास तो नेस्टिंग मूवमेंट कौन शो कर रहा है बेस्ट एग्जांपल क्या है मेरे पास टच मी नॉट मिमोसा बॉडी का व्हेन यू टच इट सो इट श्रिंक राइट यस सर ओके तो देखो प्लांट के अंदर ये तो चलो रिस्पांस हो गया देखो अभी हमने ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था रिस्पांस देना उस तरीके से प्लांट का भी तुमने पढ़ लिया कैसे रिस्पांस देते हैं अब ऐसे ही हम ह्यूमंस के वो भी पढ़ेंगे किस तरीके से हार्मोन निकलते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए हाँ कोई कुछ बोल रहा था बीच में अभी नो सर यस अच्छा किसी को डाउट नहीं तो इसी तरीके से ना प्लांट के अंदर भी ना बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स प्लांट के अंदर भी क्या होते हैं मेरे पास बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं और उन हार्मोन्स को हम क्या देखो हार्मोन क्या होता है एक्चुअली में देखो हार्मोन ना ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकलते हैं
ठीक है, और ये कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लेकर आते हैं हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर। जैसे कि मान लो मेरी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, मेरी बॉडी में फैट डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं, मैं तो मान लो फूलता जा रहा हूँ या मैं बहुत पतला होता जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पक्की बात है मेरे में एक हार्मोन नहीं निकल रहा जिसका नाम है थायरोक्सिन, तो ये थायरोक्सिन काम करवाता है मेटाबॉलिज्म वाला। ठीक है, तो हाँ वो भी आएगा आगे जाके, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो मास्टर ग्लैंड है, वो भी आगे आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से तो मेरे को थायरोक्सिन की जरूरत थी जिसने ये काम करवाया, तो ये क्या है हार्मोन बताओ, तो उसने मेरी बॉडी में जब निकलेगा अच्छे से तो बताओ प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म अच्छा, तो ये क्या, ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आया नहीं आया मेरी बॉडी में अच्छा वाला इफेक्ट बिल्कुल, तो ये किसकी वजह से आया, उस हार्मोन की वजह से तो आया। तो सारे बच्चे लिखेंगे, सारे बच्चे लिखे फाइटो हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स का मतलब क्या होता है, प्लांट के हार्मोन, लिखे दीज आर दी केमिकल्स, दीज आर दी केमिकल सब्सटेंसेस। अच्छा, ये ज्यादा अमाउंट में निकलते हैं कम अमाउंट में निकलते हैं, ये कम निकलते हैं, लेकिन इनका बहुत रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कम है लेकिन काम तगड़ा है, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। ठीक है, सो दीज आर दी केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस नेचुरली इन द प्लांट, नेचुरली इन द प्लांट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फिजियोलॉजिकल responses, जैसे सेल ग्रोथ हो गई, ठीक है, सेल डिवीजन हो गई, ठीक है, सीड की डॉर्मेसी हो गई, हाँ मैं बता देता हूँ, दीज आर दी केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस इन लेस अमाउंट या लो अमाउंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर भाई, तो ये हमारे पास क्या करवाते हैं, देखो ग्रोथ को देखेंगे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, वो इन्वायरमेंट में किस टाइप का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, कैसे उनके अंदर का काम हो रहा है, किस तरीके से एक्सचेंज हो रही है चीजों का, तो जितने भी प्रोसेस इस टाइप के होते हैं। तो अब देखो हमारे पास ना 5 हार्मोन्स है, तुम्हारे सिलेबस में ऑल्दो 4 है लेकिन 5 पढ़ने पड़ेंगे, तो मेरे पास देखो इनके ना 5 टाइप के हार्मोन है। सबसे पहले नाम सुन ले, नाम थोड़े खतरनाक से लगते हैं लोगों को। सबसे पहला है ऑक्सिन, आईगोस तुमने 8-7 में पढ़ा होगा ये सब, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ठीक है, साइटोकाइनिन्स, एबेसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड भी बोलते हैं इसे, एब्सिसिक एसिड, एंड लास्ट में मेरे पास क्या है, इथाइलिन, विच इज अ गैस हार्मोन, तो ये गैस की फॉर्म में निकलता है इथाइलिन। तो मेरे पास टोटल ये 5 टाइप के फाइटो हार्मोन्स हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एबेसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, तो ये मेरे पास 5 टाइप के फाइटो हार्मोन्स हैं जो तुम लोगों को याद रखने हैं, तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स, एबेसिक एसिड एंड दी इथाइलिन। अब देखो प्लांट के अंदर जो सारे काम बहुत अच्छे अच्छे करता है, सारे काम एकदम अच्छे अच्छे वाले हैं, अच्छे अच्छे काम का मतलब मान लो सेल डिवीजन हो रही है, तो बताओ वो अच्छी बात है या नहीं भाई, प्लांट बड़ा होता जाएगा, यस और नो, प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, परमिएबल हो गया ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज आ सके अंदर, ठीक है, फ्रूट डेवलप हो रहा है, फ्रूट पक गया, ठीक है, सीड बन रहे हैं, सीड की सिंथेसिस हो रही है, तो ये काम सारे सारे अच्छे हैं या नहीं, बहुत ही अच्छी बात है या नहीं ये सब, तो ये सब होते हैं प्रमोटर्स, ये प्लांट के ग्रोथ के प्रमोटर्स होते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 3 है ना, इनको हम बोलते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ को प्रमोट करवाते हैं। जैसे तुम सब आजकल क्या चल रहा है कि बिना एग्जाम के प्रमोट कर रहे हैं हम आपको, प्रमोट का मतलब 9 से 10th में आ गए, 10 से 11th में आ गए, तो ये प्रमोट कर दिया, तो ये ग्रोथ को। लास्ट वाला कौन सा है, 5th वाला? इथाइलिन, ठीक है। तो अच्छा, और ये जो मेरे पास 2 है, ये नीचे वाले एब्सिसिक एसिड और ये मेरे पास क्या है इथाइलिन, तो ये मेरे पास क्या है इनहिबिटर। जैसे मान लो तुम 9th में थे, अब तुमको सरकार ने बोल दिया नहीं नहीं तुम 8th में जाओ, चलो तुम एकदम फेलियर हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तो वो क्या हो गया, इनहिबिट कर दिया तुम्हारी ग्रोथ को, तुम्हारी तुमको आगे जाना तो कर दिया तुमको पीछे, तो वो क्या है ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो कुछ लोग बोलते हैं सर तो ये हमारे तो नुकसान वाली बात हो गई इनहिबिटर, तो अब क्या करें, तो ये तो बहुत बुरी बात है। देखो वैसे ये है इनहिबिटर, लेकिन जैसे मान लो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इनहिबिटर भी अपने आप में अच्छी, नुकसान थोड़ी होगा इससे, कुछ फायदे भी तो है।
अरे हाँ एक सेकंड बता रहा हूँ, ये इनिबिटर है, लेकिन इसका मतलब ये इनिबिटर का मतलब चीजों को वैसे चीज करने, जैसे मान लो मैं बताता हूँ, स्टोमेटा है, स्टोमेटा जब हम ओपन करते हैं तो गैस एक्सचेंज होती है, यस और नो? तो वो इसका मतलब वो अपने आप में अच्छी बात है, ज्यादा ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही होगी तो खाना ज्यादा बनेगा। लेकिन अब मान लो, अब अगर मान लो सनलाइट बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, ऊपर से आदेश आया कि नहीं नहीं अब स्टोमेटा बंद कर लो वरना स्टोमेटा जल जाएगा और सारा पानी लॉस भी हो सकता है गर्मी में, तो बताओ उस टाइम पे स्टोमेटा क्लोज करना अच्छा रहेगा या खोलना अच्छा रहेगा? क्लोज करना अच्छा रहेगा ना, क्योंकि सनलाइट बहुत ज्यादा तेज है तो सारा का सारा पानी उड़ सकता है प्लांट का। तो उस टाइम पे तो वो किससे गुहाल लगाएगा, प्रमोटर से या इनिबिटर से? इनिबिटर से गुहाल लगाएगा ना, क्योंकि इनिबिटर ही तो ऐसा काम करवाते हैं, यस और नो? जो मिमोजा प्यूडिका होता है उसमें से जब लीफ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो वीसी के वैसे होते हैं। क्या फिर से बोलना है सर? जो लीव्स होती है सर, जैसे वो मिमोसा प्यूडिका सर, उसकी जो मतलब जो लीव्स इन्हें वो कर जाते हैं सर जब हम उसे टच करते हैं, तो वो इन्हीं की वजह से होता है ग्रोथ इनहिबिटर? नहीं 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 नहीं, वो ग्रोथ इनहिबिटर का मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है स्टोमेटा मतलब उसने बंद करवा दिया, ये लीफ डाउन करवाना तो अलग फिनोमेना होना, वो टच है, वो उसका रिस्पॉन्स है, तो वो उसका रिस्पॉन्स है, ये चीज तो अलग है ना भाई, ये तो कंपलसरी नीडेड है, वो उसका फिनोमेन रिस्पॉन्स है अलग टाइप का, उसमें तो श्रिंकेज है वाटर का, थिग्मो रिसेप्टर करा, वो वहां पे कोई स्टोमेटा क्लोज थोड़ी हुआ था, उसने पानी को लूज कर दिया था, ओपन रहेगा तभी तो लूज कर पाएगा, पानी को ज्यादा लूज कर दिया था, बल्कि वहां पे तो स्टोमेटा और अच्छे से खुल गया होगा, क्योंकि पानी को लॉस करना है, पानी को लॉस करना है तभी तो ये मेरे पास वो चीजों को, अच्छी बात है रिलेट करना, बट एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेट करोगे तो तुम अपने आप खुद ही तो कंफ्यूज हो ही होगे, साथ में दूसरे लोगों को भी कंफ्यूज करोगे, ठीक है? तो रिलेट करना अच्छी बात है, लेकिन वो नहीं है, ये चीज अलग है, वो चीज अलग है, ठीक है? तो इसलिए अच्छा भाई, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, सीड एकदम इस स्टेट में नहीं है कि वो आगे प्लांट बना पाए, तो वो सीड किस में चले जाता है? डॉर्मेसी में चले जाता है, मतलब एक तरह से स्लीप होती है ये, क्योंकि स्लीप ले पाएगा तभी तो वो आगे जाके मैच्योर बन पाएगा, तो कभी कभी सीड से प्लांट आता ही नहीं है, उसे बोलते हैं कितना इनएक्टिव सीड है, तो उसे हम बोलते हैं डॉर्मेसी। तो अगर मान लो कोई चीज है जो सीड को डॉर्मेसी में लेके चला गया, मतलब सीड को सोने के लिए बोल दिया उसने, तो बताओ कौन करवाएगा, इनिबिटर या प्रमोटर? इनिबिटर। तो इनिबिटर है गंदे, लेकिन इतने भी गंदे नहीं है, वो भी रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है? कुछ फंक्शन के अच्छे भी हैं, जैसे इथाइलिन क्या करता है, जो फल होते हैं फल को पकाने में हेल्प करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में हेल्प करता है, तो बताओ ये क्या, ये पूरी तरीके से गंदा हुआ? कुछ गुंडे होते हैं ना, लेकिन दिल उनके पास भी होता है, तो कभी कभी अच्छा काम वो भी कर देते हैं, राइट? नहीं आया कुछ समझ में? अरे मान लो जैसे मान लो तुम्हारे एरिया में एक गुंडा आ गया है, ठीक है, वो बहुत बदतमीजी करता है, ठीक है, सबसे पैसे छीन लेता है, थप्पा मारता है सबको, अब तुमने सरकार से गुहार लगाई, तो सरकार एक कहीं से गुंडा लेकर आई और उसने बोला जाओ उस गुंडे को, दूसरे वाले गुंडे जो तंग कर रहा है उसको मार के लाओ, तो अब एक सरकार के गुंडे ने एक सोसाइटी के गुंडे को मारा, तो ये तुम्हारे लिए अच्छी बात हुई बुरी बात हुई? इसका मतलब गुंडा, वो गुंडा तो गुंडा ही होता है यार, तो एक तरह से हाँ हाँ वेरी गुड, तो उसी तरीके से इनहिबिटर जो है वो मेरे पास क्या है, तो इनहिबिटर भी अपने आप में प्लांट के लिए अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि फंक्शन को नेगेटिव वे में करता है तो उसको इनहिबिटर का नाम दे दिया गया है, ठीक है भाई? तो चलो भाई, जो ग्रोथ प्रमोटर है उनका भी नेगेटिव होगा? नहीं नहीं नहीं, प्रमोटर का कोई नेगेटिव नहीं है, प्रमोटर का मतलब सारा अच्छा है, प्रमोटर का सारे अच्छे हैं, बस इनहिबिटर के लिए ऐसा है, ठीक है? तो चलो भाई, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आई होप तुम लोगों को नाम याद हो गए होंगे, ऑक्सीजन जिब्रेलिन साइटोकाइन है ना, वैसे करते हैं थायमिन, सारे बच्चे एक बार ऋषभ बोलोगे पांचों के पांचों, ऑक्सीजन जिब्रेलिन साइटोकाइन, थैंक यू सर, जिब्रेलिन, ठीक है? तो चलो ठीक, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय।